नमस्कार, बीसीएन न्यूज की स्पेशल स्टोरी में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। भारतवर्ष के साथ साथ पूरे संसार में शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जहां दो दिलों का मिलन, प्यार, भरोसा, सम्मान और एक दूसरे को आखिरी सांस तक साथ देने का वचन होता है। शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद पति पत्नी का संसार शुरू होता है, लेकिन जब शादी के कुछ महीनों के बाद लोभी ससुर द्वारा दहेज को लेकर बहू को प्रताड़ित किया जाता है, तब नई नवेली बहू की हंसती खिलती जिंदगी उजड़ जाती है जिसमें दुल्हन की मौत होती है। ऐसा ही एक मामला तारीख 23 दिसंबर 2020 को हुआ था, जहां दहेज को लेकर भीमराव तामगाड़गे नाम के इस ससुर ने अपने बहू को चौथे मंजिल से नीचे फेंक दिया था। एक साल तक चलते रहे इलाज के दौरान अपाहिज हुई बहू करिश्मा की मौत हो गई। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरेन की ये स्पेशल रिपोर्ट। करिश्मा को कब मिलेगा न्याय, आइए देखते हैं। शादी के पवित्र बंधन में बंधी ये है करिश्मा गायकवाड़, जिसकी उम्र 27 वर्ष की है। पेशे से बी इंजीनियर है। करिश्मा की शादी साकेत भीमराव तामगाड़के के साथ तारीख 20 अगस्त 2020 को हुई थी। शादी को महज 3 महीने भी नहीं हुए थे कि करिश्मा के ससुराल वालों ने शादी के बाद दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। महंगी फोर व्हीलर, सोना और एयर कंडीशनर चीजों की बार बार करिश्मा से मांग कर रहे थे। अपने मायके वालों ने शादी में पहले ही लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, अब उनकी आर्थिक स्थिति बराबर नहीं है, ऐसा करिश्मा ने ससुराल वालों को बताया। अब दहेज नहीं मिलेगा, इस बात से बौखलाए करिश्मा के ससुराल वालों ने उसे गाली गलौज देना, मारपीट करना, करिश्मा को दिन रात ताने देना, ऐसी ओछी हरकतें करते हुए प्रताड़ित करते रहे। हद तो तब हो गई जब करिश्मा के ससुर भीमराव तामगाड़के ने न्यू नरसाका रोड स्थित शारदा कॉम्प्लेक्स के चौथे माले से बहू करिश्मा को नीचे धक्का देकर फेंक दिया। करिश्मा का काल आया था लेकिन समय नहीं आया था, इससे करिश्मा की जान तो जरूर बच गई, लेकिन चौथे मंजिल से फेंक देने से करिश्मा की रीढ़ की हड्डी, कमर और पैर की हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थी, पूरा शरीर फ्रैक्चर हो चुका था। करिश्मा के साथ जब घटना हुई तब करिश्मा की सास ससुर, पति की बहन और बहनोई सभी मौजूद थे। 1 दिसंबर 2020 से लेकर अब तक करिश्मा एक जिंदा लाश की तरह जीना जी रही है। करिश्मा पर अब तक 8 बड़े ऑपरेशन शहर के अलग अलग अस्पतालों में किए गए हैं। करिश्मा के कमर के नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज हुआ है। करिश्मा रोजाना तिल तिल मर रही है। करिश्मा की मां कल्पना गायकवाड़ का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। पड़ोसी और कुछ गिने चुने रिश्तेदारों ने आर्थिक रूप से मदद की है। पिछले एक वर्षों से जिंदगी और मौत से जूझ रही करिश्मा तामगाड़के की आखिरकार एक वर्ष बाद एम्स अस्पताल में मौत हो गई। माझी मुलगी 11 महिने मृत्यूशी झुंज देत होती, कारण की सासऱ्यांनी तिच्या चौथ्या माळ्याहून त्यांनी सगळ्यांनी कट करून चौथ्या माळ्याहून तिला ढकलल्यामुळे माझ्या मुलीला पूर्ण स्पायनल कार्ड तुटून सगळं मोठे खूप मोठं दुखापती झाले आणि खूप मोठे ऑपरेशन होऊन ती आज 11 महिने मृत्यूशी झुंज देत होती। तिला पुष्कळ हॉस्पिटलमध्ये नेऊन नेऊन तिची प्रकृती इतकी गंभीर होऊन गेली की त्याच्यामुळे ती 11 महिने सतत मृत्यूशी झुंज देत होती। शेवटी माझ्या मुलींनी 7 नोव्हेंबर सकाळी 11 वाजता तिने शेवटचा श्वास एम्स हॉस्पिटलमध्ये घेतला। अशा लोकांना ते आरोपी अजूनही भीमराव तामगाळगे, साकेत तामगाळगे अजूनही आरोपी बाहेर चांगल्या तऱ्हेने ते हे करत आहे, पण आम्ही आमची शारीरिक मानसिक स्थिती आमची काय असेल, आम्ही 11 महिने आम्हाला इतका खर्च झाला की आम्ही सांगू शकत नाही। जगामध्ये असे अनेक करिश्मा अजून असं व्हावे नाही, हुंडाबळीसाठी असं व्हावे नाही, म्हणून अशा नराधमाला कठोर ते कठोर शिक्षा व्हायला पाहिजे, त्यांना जन्मठेपेची पण शिक्षा होईल असं मला पूर्णपणे असं वाटते। तेव्हा माझ्या मुलीच्या आत्म्याला आम्हाला शांती मिळेल, कारण की त्यांनी इतका छळ केला माझ्या मुलीचा आणि आम्ही 11 महिने अशा ती किती मृत्यूशी झुंज देतो ती तिचं तिला माहीत। अशा लोकांना कठोर ते कठोर शिक्षा व्हायला पाहिजे अशी माझी इच्छा। आजपर्यंत आम्हाला 50 लाखापर्यंतचा खर्च येऊन आम्ही पूर्ण हे झालेलो आहोत, पूर्ण मानसिक शारीरिक पूर्ण आम्ही
डगमगलेला हो आणि आज माझी मुलगी खूप त्रासात होती, खूप त्रासात होती ती. आज तिने 7 तारखेला तिने शेवटचा श्वास घेतला आणि ती शांत झोपली माझी मुलगी. पण अशा तिच्या सासू सासरे ननद नंदोई यांना कठोरात कठोर शिक्षा व्हायला पाहिजे अशी माझी इच्छा आहे. करिश्मा की मौत की खबर सुनते ही परिसर में खलबली मच गई. हर तरफ सन्नाटा सा छा गया था. मृत्यु के पहले पीड़ित करिश्मा ने बीसीएन न्यूज समक्ष अपनी आपबीती बताते हुए ससुर भीमराव तामगाडके ने चौथे मंजिल की बालकनी से मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया था, ऐसा करिश्मा का स्टेटमेंट बीसीएन कैमरा के सामने दिया है. मेरा नाम करिश्मा सागर तामगाडके है. मेरे हस्बैंड बिल्कुल मेरे साथ अच्छे नहीं रहते थे, बात नहीं करते थे. उन्होंने बोला कि मैंने अब शादी मेरे मम्मी पापा के लिए कि उनको बहू चाहिए थी तो बहू ला के दी. मुझे शादी नहीं करनी थी, प्यार व्यार के हो. उस दिन 11 बजे खाना वाना खाने के बाद मैं मेरे बेडरूम में लेटी थी तो मेरे हस्बैंड ने 2-3 दिन से मुझे फ़ोन नहीं किया था. वो पुणे में गए थे तो अपनी मम्मी को किया और मुझे नहीं किया. तो मुझे थोड़ा रोना आ रहा था तो मैं रो रही थी. तो मेरे ननद सास ससुर सब आए मेरे रूम में और मुझे इतना टॉर्चर कर रहे थे, इतना बड़बड़ कर रहे थे. तेरे मम्मी ने दहेज, तेरे मम्मी ने 10 लाख की कार FD नहीं दी, 20 लाख की कार नहीं दी, सोना नहीं दिया, ये नहीं दिया. बहुत ये कर रहे थे. तेरे रिलेटिव्स ने हमको खाने में नहीं बुलाया. इतना टॉर्चर किया इतना टॉर्चर किया मुझे. और फिर आपको धक्का किसने दिया? मेरे ससुर ने. क्या आपने आंखों से देखा धक्का देते? हाँ, मेरे ननद ने मुझे चाय ला के दी. मैंने बोला मुझे नहीं पीना तो मैं किचन के बालकनी के दरवाजे में खड़ी थी. तो मेरे ससुर मुझे जबरदस्त से चाय पिला रहे थे, बोले पी और पीछे पीछे लेके उन्होंने मुझे ढकेल दिया. मेरे ससुर उस दिन बहुत मेरे आँख भी आ रहे थे, मेरा मोबाइल खींच रहे थे. क्या नाम है ससुर का? भीमराव तामगाड़ी. अब आप क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले, अरेस्ट करे, क्योंकि मैं बहुत तड़प रही हूँ. मेरी हालत बिल्कुल ही, मैं चल नहीं पा रही हूँ, जा रही हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हूँ. सबको सजा मिलनी चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए. क्या नाम है आपका? करिश्मा तामगाड़ी. करिश्मा को दहेज के लिए जान से मारने की कोशिश करने वालों में भीमराव तामगाडके, साकेत तामगाडके, ललिता भीमराव तामगाडके, प्राची राहुल वासनिक इनके खिलाफ हुड़केश्वर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता कलम 307, 498 ए, 504, 34 के तहत गुनाह दर्ज किया गया है. इस दहेज के लिए दर्ज आरोप पत्र को जुडिशियल मजिस्ट्रेट वर्ग 1 इनके न्यायालय में पुलिस ने दायर कर रखा था, जिसमें आरोपियों को जमानत मिली है. लेकिन ये हत्या का प्रयास किया गया था, इसलिए तामगाड़ के परिवार पर कलम 302 लगाना चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, ऐसा करिश्मा के हाईकोर्ट वकील सानवंग का कहना है. सर, आपकी जो क्लाइंट है करिश्मा तामगाड़के, इसकी डेथ हो चुकी है, अब उसे न्याय कैसे मिल सकता है? न्याय मिल सकता है. न्याय की प्रक्रिया चालू है और अभी उस पर्टिकुलर प्रक्रिया में उसका अभी खून हुआ है और 7/11/2021 को उसकी मौत के बाद वो मैटर ऑलरेडी अभी कन्वर्ट हो रही है 302 में. और भीमराव तामगाड़के जिन्होंने इसको पुश करके नीचे गिराया और उनके सब साथियों को जिन्होंने 498 ए और 34 का संगरमत करके IPC में उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया, उस संदर्भ में जरूर न्याय मिलेगा. और न्याय मिलने की प्रक्रिया है, भारत का संविधान इतना स्ट्रांग है कि उसमें हर चीज़ को अच्छी तरह से पड़ताल नहीं करके निकाला जाएगा. और उस दिन भी उसका जो डेथ हुआ है उस वक्त भी उसकी पुलिस प्रक्रिया अच्छी तरह से चली है और उन्होंने आवश्यक डॉक्यूमेंट्स पोस्टमार्टम के जरिए हासिल किए हुए हैं और वो आगे अच्छी तरह से बढ़ेंगे. सिर्फ अभी उस केस में अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जाने की है, वो जाएगी
और हमें आशा है कि करिश्मा तामगाड़गे जो अभी उसको मुझको मौत के घाट उतार दिया है उस प्रणाली को पूरे समाज को और जनता को सबक मिलना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से आज वो न्यायपालिका इस विषय को हासिल इस विषय को हासिल करेगी और अच्छी तरह से टैकल करके उसे परिवार को न्याय देंगी, क्योंकि परिवार काफ़ी झुंझता हुआ रह रहा है। 25 से 30 लाख रुपए का अभी आज के डेट में खर्चा हुआ उनका, और वो जो भाई है उनकी माँ परिश्मा की, वो बेचारी विधवा भाई है, ओल्ड एज है, उसने पैसे इधर उधर से लाके सामाजिक संस्था से इधर उधर से पैसे निकाल के उसके बीमारी को लगाया, मगर ये जो तस और मस नहीं किया उन्होंने। दहेज के लोभी ससुर भीमराव तामगाड़ के द्वारा किया गया ये काम, इस घटना की पूरे भारतवर्ष में कठोर निंदा की जा रही है। ससुर भीमराव तामगाड़ के और तामगाड़ के परिवार की मिलीभगत से चौथे मंजिल से बहू करिश्मा को फेंकना और उसे मौत के मुंह में छोड़ देना, ये कहां का पुरुषार्थ है। पिछले 11 दिनों से करिश्मा काफी तड़पती रही, चिल्लाती रही, दुखों से कहारती रही। जो भी पीड़ित करिश्मा को देखता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। करिश्मा बहू का दर्द देखा नहीं जाता था। करिश्मा के इलाज के लिए करिश्मा की मां कल्पना गायकवाड़ दर दर पैसे की जुगाड़ में भटकती रही। इतना ही नहीं तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी आर्थिक मदद देने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने भी एक पैसे की भी मदद नहीं की। इधर उधर से इलाज के लिए कल्पना गायकवाड़ ने पैसे जमा किए। शहर की स्वयंसेवी संस्था बुद्ध विहार और पड़ोसी ने जो संभव हुआ वो आर्थिक मदद करिश्मा के इलाज के लिए जमा किए। करिश्मा के इलाज के लिए 45 से 50 लाख रुपए के आसपास खर्चा हुआ है। इलाज चलता रहा। पिछले एक वर्षों से मौत से जूझ रही करिश्मा की तारीख 7 नवंबर 2021 को डेथ हो गई। करिश्मा के अंतिम संस्कार के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। खामला स्थित सहकार नगर शमशान भूमि पर करिश्मा को लाया गया। इस मौके पर हर किसी की आंखें नम थी। करिश्मा की मां कल्पना और करिश्मा की छोटी बहन मृणाल का रो रो कर बुरा हाल हुआ था। आप करिश्मा के पड़ोसी थे, अब आपका क्या कहना है? मेरा नाम प्रकाश ठोमरे है। करिश्मा को मैं बचपन से जानता हूँ। उसकी शादी अगस्त में हो गई, उसके बाद में 3 महीने के अंदर ही इनके इसको दावरी के लिए हुंडा के लिए उसको उसके साथ में डिमांड की गई, और ये हाथ जोड़कर कहती थी कि भाई इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, आप ये मेरे मम्मी से बात करिए। इस तरह की उनकी बातें चल रही थी ऐसा मुझे समझ में आया। और उसी दिन शायद वो चौथे माले से इन्होंने ऐसा कट करके भीमराव तामगाड़ के इन्होंने उसको धक्का दे के नीचे गिरा दिया, और बचने के लिए अटक पूर्ण जामीन के लिए उसने पूरी कोशिश की। और अब आप क्या चाहते हो? तो हम यही चाहते हैं कि जामीन तो उसको मिल गई है, लेकिन वो 11 महीने वो उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो हॉस्पिटल में रही, उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी टूटी, उसकी डिस्क की हड्डी टूटी, हाथ टूटा, ये सभी यानी इसके ट्रीटमेंट के लिए वो 11 महीने अपने मृत्यु के साथ में लड़ाई लड़ते रही है। और लड़ते 7 तारीख को उसका देहांत हो गया है, इसलिए वो उसके ऊपर मर्डर की चार्जेस लगकर उसको जन्मठेप होनी चाहिए, ऐसे मैं कहता हूँ शासन से। चौथी मंजिल से आरोपी ससुर भीमराव तामगाड़गे ने बहू करिश्मा को बालकनी से नीचे फेंके जाने से करिश्मा हर रोज दर्द के आंसू पीती रही। मां कल्पना और छोटी बहन मृणाल का इस एक साल में शारीरिक, आर्थिक और मानसिक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मां कल्पना गायकवाड़ के आंखों के आंसू भी सूख गए थे। जब करिश्मा का सहकार नगर में अंतिम संस्कार हुआ तब हर तरफ सन्नाटा और सभी निशब्द हुए थे। करिश्मा के पड़ोसी प्रकाश ढोंबरे मृणाल और करिश्मा की मां कल्पना गायकवाड़, इन्होंने न्याय मिलने की गुहार सरकार और न्यायालय से बीसीएन समक्ष भी की है। शादी को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है,
इसलिए शादी की जाती है। शादी में मायके वाले अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार खर्चा भी करते हैं। करिश्मा की शादी में करिश्मा की मां ने 10 लाख के आसपास खर्चा भी किया है। फिर भी दहेज के लोभी आज भी समाज में बड़ी संख्या में पनप रहे हैं। दहेज के लिए प्रताड़ित करना और दहेज पूरा नहीं किया तो बहू को जान से मारने जैसी घटनाएं हो रही हैं। ये एक बड़ा चिंता और चिंतन का विषय है। आज दहेज के लिए लोभी ससुर भीमराव तामगाड़के जैसे दरिंदों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी है। ऐसे लोभी ससुर और उनका साथ देने वालों पर करिश्मा की हत्या करने का 302 का मुकदमा चलाकर जेल में ही उम्र कैद की सजा मिलना बेहद जरूरी है, वरना आज करिश्मा जैसी मासूम बहू इस घटना की शिकार हुई। हो सकता है कि कानून ने यदि आरोपी लोभी ससुर भीमराव तामगाड़के और तामगाड़के परिवार पर सख्त सजा नहीं दी तो आगे समाज की और भी करिश्मा बेकसूर मारी जाएंगी, उसकी हत्या की जाएगी। इसलिए शहर के नागरिकों ने पुलिस प्रशासन से आरोपी ससुर भीमराव तामगाड़के पर 302 का मामला दर्ज करने की मांग बीसीएन न्यूज के माध्यम से की है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस घटना को लेकर हमारे संवाददाता संजय मिरे, इन्होंने हुड़केश्वर पुलिस थाने के वरिष्ठ इंस्पेक्टर सार्थक नेहते से बातचीत की, आइए देखते हैं। करिश्मा तामगाड़के की आखिरकार मौत हो चुकी। एक वर्ष पहले उसको जो जिस प्रकार से जो प्रताड़ित किया गया था, चौथे मंजिल से ससुर ने जो फेंका था, एक वर्ष तक वो मौत से लड़ती रही और आखिरकार दुनिया को अलविदा उसने कह दिया। इस समय में बीसीएन की टीम पहुंची है हुड़केश्वर थाने में, जहां पे पिया नार्थक सार्थक नेहते है, उनसे जानना चाहेंगे इस केस के बारे में। सर ये बताइए कि आखिर लड़की की तो मौत हो चुकी है, अब उसे न्याय कैसा मिलेगा? आरोपी के ऊपर में हुड़केश्वर थाने की ओर से क्या और चार्जशीट दायर करने वाले, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए क्या करेंगे पुलिस? गेल्या वर्षी 23 डिसेंबर 2020 करिश्मा तामगाड़के या महिलेचा तिच्या राहत्या घराच्या चौथ्या मजल्यावरून पडून मृत्यू झाला होता। तिने तक्रार दिली होती की तिच्या सासऱ्यांनी तिला धक्का दिलेला आहे आणि तिचे घरचे, तिचे पती, तिची सासू आणि तिचे ननंद नंदोई हे त्यांना तिला हुंड्यासाठी तिचा सतत छळ करायचे म्हणून, आणि सासऱ्यांनी तिला बाल्कनीमधून ढकललं म्हणून ती खाली पडली होती। गंभीर दुखापत होती तिला। गेल्या 10 महिन्यापासून ती विविध इस्पितळांमध्ये उपचार घेत होती, केअरमध्ये, वैरागडे हॉस्पिटलमध्ये, आणि शेवटी एम्स हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेताना परवा तिचा मृत्यू झालेला आहे। आपण या संदर्भात सीएमओंना एक पत्र दिलं होतं आणि डॉक्टरांचे एक पॅनलद्वारे तिचं पोस्टमार्टम केलेलं आहे। आपण डॉक्टरांना क्युरी करणार आहोत की ती चौथ्या मजल्यावरून पडून ज्या तिला गंभीर दुखापती झाल्या आहेत त्या दुखापतीमुळेच जर तिचा मृत्यू झालेला असेल तर या गुन्ह्यामध्ये मग आपण वाढीव सेक्शन देखील लावून याच्यात पुन्हा पुरवणी आरोपपत्र आपण मान्य कोर्टात दाखल करू। सर उन्हें आर्थिक मदत किस प्रकार से मिळू शकती है? त्या संदर्भात शासनाच्या जर काही योजना असतील तर त्या योजनांचे पण आपण शहानिशा करू आणि तिच्या परिवाराला तशी मदत मिळेल यासाठी आपण पुरेपूर प्रयत्न करू। तो आप थे पीआई सार्थक नेते, जिन्होंने बखूबी और बेबाक के साथ बात करते हुए ये बताया कि उस लड़की को हर हालत में न्याय देने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है, नई चार्जशीट भी दायर की जाएंगी। एक बात तो तय है कि आए दिन करिश्मा जैसे ऐसे हज़ारों लड़कियां दहेज की बलि चढ़ रही है, इसकी रोकथाम होना बेहद ज़रूरी है। आज ये करिश्मा, कल दूसरे करिश्मा का भी नंबर आ सकता है, इसलिए कानून का कहीं ना कहीं बात मजबूती के साथ होना चाहिए और पुलिस प्रशासन का भी अंकुश ऐसे आरोपियों पर होना बेहद ज़रूरी है। हुड़केश्वर थाने से कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ संजय मीर, बीसीएन न्यूज नागपुर। कब ये कानून भीमराव तामगाड़के को सलाखों के पीछे डालेगा? कब मिलेगा इंसाफ करिश्मा को? कब मिलेगा न्याय? ये सिर्फ समाज नहीं, पूरा हिंदुस्तान ये सवाल पूछ रहा है। लेकिन फिलहाल तो प्रशासन सोया हुआ है और भीमराव तामगाड़के जैसे लोग जमानत पर बाहर है। कब तक बलि चढ़ेगी करिश्मा जैसी हजारों बेटी समाज की दहेज के नाम पर? और कब मिलेगा इंसाफ? ये सिर्फ बीसीएन नहीं बल्कि इस देश की हर एक लड़की सवाल कर रही है। बीसीएन न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में वक्त चला है यही रुकने का। ताजा खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।